हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर हिंदी क्लास। टुडे वी विल रीड लेसन 14 ऑफ थर्ड स्टैंडर्ड, विच नेम इज सबसे अच्छा पेड़। तो बच्चों, इस लेसन में क्या है, पेड़ के महत्व बताया गया कि कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है। तो लेट्स रीड द लेसन। तीन भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घर की तलाश में निकल पड़े। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये तीनों भाई एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, तलाश में निकल। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चलते थक गए। थोड़ी देर में आम का एक पेड़ दिख आया। देखा है ना आपने, पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि ये तीनों लोग पेड़ के नीचे बैठे हैं, तो उसके नीचे ठंडी छाया थी। तो तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। तो आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है, आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे, और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखा कर रख लेंगे। तो पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे ही अपनी झोंपड़ी बना ली। वह वहीं ठहर गया, लेकिन उसके भाई वहां नहीं ठहरे। वे आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान में एक काला बादल गुजरा। आप जैसे कि फोटो में दिखाई देता है ना आपको, कि काला बादल उनके ऊपर से निकल रहा है। टप टप पानी बरसने लगा। काले बादल होते हैं तो बरसात लाते हैं ना, उसी तरीके से। तो दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया और उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा। मतलब देख रहे हो आपने, उन्होंने एक छत बनाकर उसको चल रहे हैं कि जिससे वे भीगे नहीं। जरा देर में बादल चला गया और बारिश रुक गई। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है मुझे भी। तीसरे भाई ने भी कहा। पहला तो वहीं रुक गया था ना आम के पेड़ के नीचे, तो और दूसरा और तीसरा भाई रह गया था। तो दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा, चीरा मतलब काट लिया, एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने पेट भर खाना खाया। इसके बाद एक एक केला भी खाया। उन्होंने वहां से पेड़ से तोड़कर केला भी खा लिया। और दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यही घर बनाऊंगा केले के पेड़ से। अच्छा क्या होगा, बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, उनकी सब्जी बनाएंगे, कुछ केले बेच देंगे और उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे। तो इसलिए दूसरे भाई ने वहीं अपनी झोंपड़ी बना ली। मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। दोनों ने तो अपना घर बना लिया था, पहले ने आम के पेड़ के नीचे, दूसरे ने केले के पेड़ के नीचे। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। पेड़ बड़ा ही लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है। टप एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा। तीसरे भाई ने अपना चक्कू निकाला और खरखर नारियल की जटाएं साफ हो गई। और फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया, उसका ठंडा मीठा पानी पिया, नारियल के पेड़ की छोटी सी छा। तीसरा भाई उसी छाया के नीचे बैठ गया और उसने सोचने लगा, आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले के पेड़ बड़े बड़े काम का होता है और केला खाने में अच्छा होता है। पेड़ नीम का भी अच्छा है, उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकूँ और पेड़ मुझे ठंडी छाया भी देगा। तो छाया देगा और वो पेड़, अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चक्कू निकालकर पेड़ की छाल में एक लंबा सा चीरा लगा देता। चीरे के तले में एक प्याला रख देता। पेड़ में दूधिया रस को मैं प्याले में भर लेता। देखो पेड़ को, आप कभी भी उसमें चाकू वगैरह लगा के देखो तो उसमें सफ़ेद सा रस निकलेगा। रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता, रबड़ मैं बेच देता और रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीज़ें बना लेते हैं। अच्छे पेड़ों की क्या कमी है, नारियल के पेड़ की ही सोचो। नारियल की जटाओं को काटकर मोटी डोरियां बना सकता हूँ और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयाँ भी बना सकता हूँ। रस्सियाँ और चटाइयों को मैं शहर के बाज़ार में बेच सकता हूँ। मैं नारियल का पानी भी पी सकता हूँ। मैं नारियल की गरी भी खा सकता हूँ
और कुछ गरी सुखा कर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। खोपरे को पेर कर मैं गोले का तेल भी निकाल सकता हूँ। गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीजें बनाने के काम आता है। देखो बच्चों, इसमें पेड़ों की कितनी अच्छी बातें बताएगी कि पेड़ हमें क्या क्या देते हैं, उनके सामान से हमें क्या क्या हम बना सकते हैं। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकते हैं। ठीक तो है, मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है, मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। इसलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मजे से रहने लगा। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ अच्छा है, आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे आंसर में अपने को, आपको कौन सा पेड़ सबसे अच्छा लगा। तो बच्चों, यह कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, जे भारतदास द्वारा। किसके द्वारा, भारतदास द्वारा। और बच्चों, आज से आप भी देखोगे कि हर पेड़ का अपना अपना महत्व है, इसलिए हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, हमें उनको रोज पानी देना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। क्योंकि पेड़ हमें छाया देते हैं, फल देते हैं, लकड़ी देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, उनकी जड़ी बूटियां बनती है ना, तो इसीलिए हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, तभी तो हमारा जीवन सफल होगा। इससे हमें पेड़ बारिश लाने में महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये उसमें सहायक होते हैं बारिश लाने में। तो इसीलिए बच्चों, पेड़ को अपना दोस्त मानकर उसकी देखभाल करनी चाहिए और पेड़ों से प्यार करना चाहिए, ना कि उनको काटना चाहिए। तो आज आप लोग ही मुझसे प्रॉमिस करोगे कि आप सब अपने घर में छोटे छोटे पौधे लगाकर उनको ध्यान रखेंगे उनका, उनको पानी देंगे रोज का, करेंगे ना। तो इसी तरीके से आपका आज का लेसन कंप्लीट होता है और आप लोग अपने क्वेश्चन आंसर अच्छे से राइट करेंगे। और बच्चों, आपकी आज से रिमझिम की बुक कंप्लीट होती है। इसके सभी क्वेश्चन आंसर जो भी हैं आप अपने नोटबुक में कंप्लीट करेंगे, और जिन बच्चों का ये इनकम्प्लीट है वर्क, वो भी अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।